गोरखपुर में मंगलवार को 24 घंटे के अंदर केवल 9 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 21,270 पहुंच गया है। इनमें 20,725 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 352 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 228 रह गई है। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की है। मंगलवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो 6 नए मरीज मिले हैं। इनमें शाहपुर थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 3 मरीज मिले हैं। वहीं कैंट में 1, राजघाट में 1, कोतवाली में 1, रामगढ़ताल में 1 और गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 2 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 3 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंपियरगंज बेलघाट में 1, भटाट में 1 और चरगावा में 1 मरीज मिले हैं। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने करते हुए बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।